हाई गाइज एंड अ वॉर्म वेलकम टू माई चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी हाउ टू डिसाइड विच सी ए फाउंडेशन कोचिंग क्लास इज बेस्ट फॉर यू। देर आर 5 क्रूशियल पॉइंट्स जो सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स को ज़रूर से ज़रूर चेक करना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग एनी सी ए फाउंडेशन क्लास। वैसे तो ये सारे पॉइंट्स इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स को भी एप्लीकेबल होते हैं, बट सी ए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ नया है, इसलिए उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है और इसलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। मैं वीडियो को लेंदी नहीं बनाना चाहती हूँ, इसलिए टू द पॉइंट ही डिस्कस करूँगी एंड आउट ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स लास्ट पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सो वॉच द वीडियो टिल एंड। बट गाइज, टॉपिक डिस्कस करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये पॉइंट्स यूजफुल लगा तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के संग जिन्हें इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक। पहला पॉइंट ये है कि सीए कोचिंग सेंटर के जो टीचर्स हैं उनको कितने सालों का एक्सपीरियंस है। सीए कोर्स में एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ाते, हर एक सब्जेक्ट का अपना ही एक एक्सपर्टाइज टीचर रहते हैं और अगर वो टीचर एक्सपीरियंस होंगे तो सब्जेक्ट्स के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी होगी, जैसे किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में या कौन सा टॉपिक रिपीटेटिवली आता है एग्जाम में, और भी बहुत सारी यूजफुल टिप्स भी मिल जाएंगे आपको एक्सपीरियंस टीचर से जो आपको हेल्प करेंगे आपका एग्जाम क्लियर करने में। सो इट इज़ बेटर टू गो विद द फ्लो ऑफ एन एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज टीचर। अब नेक्स्ट पॉइंट आप ये चेक कीजिएगा कि स्टूडेंट का पॉपुलेशन कैसा है उस कोचिंग सेंटर में। अगर स्टूडेंट का पॉपुलेशन अच्छा है मतलब टीचर जो समझाते हैं क्लास में वो अंडरस्टैंडेबल होता है, टॉपिक का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। इवन आपको ये भी चेक करना चाहिए कि स्टूडेंट का फीडबैक कैसा है उस कोचिंग सेंटर के बारे में, कितने टॉपर्स निकलते हैं उस क्लास से। अगर आपका उस सेंटर के कोई भी स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट नहीं है तो आप सोशल मीडिया में चेक कर सकते हैं, वहाँ तो आपको पक्का से उस कोचिंग सेंटर का रिव्यू मिल जाएगा। अगर नहीं मिला आपको कोई भी रिव्यू उस कोचिंग सेंटर से रिलेटेड तो आप ये समझ लीजिए कि दैट सेंटर इज़ नॉट गुड फॉर यू। थर्ड पॉइंट आप ये चेक कीजिए कि कोर्स फीस कैसा है और उसके बेसिस पे आपको क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उन क्लासेस का एक्सेसिबिलिटी कितने दिनों तक आपके पास रहेंगे। जनरली ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेसिबिलिटी ड्यूरेशन बहुत कम रहता है और स्टूडेंट को उसी टाइम पीरियड के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है। वैसे तो ये एक तरह से अच्छी बात है कि कैंडिडेट एक्टिवली क्लास करेंगे और विद इन द टाइम पीरियड उनका क्लास ख़त्म होगा ताकि उनको इन फ्यूचर रिविज़न करने का प्रॉपर टाइम मिलेगा। और अगर आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं तो आपको चेक करना चाहिए कि उसका क्या रिकॉर्डेड सेशन या उसका बैकअप क्लास आपको मिल सकता है कि नहीं बाद में, क्योंकि चांसेस होता है कि कभी कभी स्टूडेंट का लाइव क्लास मिस हो जाता है तो फिर वो अपना रिकॉर्डेड या बैकअप क्लास से ही अपना जो मिस आउट टॉपिक है वो कवर कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि कोचिंग क्लास का टाइमिंग कैसा है, ये फ्लेक्सिबल है या नहीं। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हर एक स्टूडेंट का जो टाइमिंग है और कोचिंग क्लास का जो टाइमिंग है वो मैच नहीं हो पाता, कभी दूसरे क्लास के साथ क्लैश होने का चांसेस रहता है या कभी कॉलेज टाइमिंग के साथ क्लैश होने का चांसेस रहता है, और अगर आप सीए इंटर के हो तो फिर आर्टिकलशिप टाइमिंग के संग क्लैश होने का चांसेस रहता है। सो कैंडिडेट को ये सारे बातें ध्यान रखना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग क्लास। अब जो फिफ्थ पॉइंट है विच इज़ द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप अपने डाउट्स को किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो चेक कीजिए 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन होता है या नहीं, या रियल टाइम बेसिस पे आपका डाउट्स क्लियर होता है या नहीं, जिसका कम ही चांसेस रहता है ऑनलाइन कोचिंग में। और अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि जो आपका जो डाउट है वो रियल टाइम बेसिस पे ही क्लियर करें, बाद के लिए ना रखें। यू शुड ऑल्सो चेक दैट टेस्ट पेपर्स वहाँ पे सॉल्व कराते हैं या नहीं, क्योंकि टेस्ट पेपर से कॉमन क्वेश्चंस आने का चांसेस रहता है, इसलिए टेस्ट पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी रहता है हर एक स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइज, ये सब था 5 पॉइंट्स टू कंसिडर बिफोर ज्वाइनिंग एनी सी ए फाउंडेशन कोचिंग क्लास, चाहे वो कोचिंग क्लास ऑनलाइन क्यों ना हो या ऑफलाइन क्यों ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इफ यू हैव एनी अदर डाउट रिलेटेड टू सी ए फाउंडेशन कोचिंग सेंटर देन डू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।